रायपुर के वन बंधु परिषद चैप्टर और महिला समिति ने राजधानी के निरंजन हॉल में आयोजित एकल अभियान का समापन समारोह किया है, जहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य अतिथि के सानिध्य में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई है, जिसके बाद परिषद के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल उइके ने कहा कि परिषद द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्य निरंतर जारी रहे तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। मंच पर आशीष सभी के अनुरोध है। शुरुआत सरकार ने की है, ये बहुत अच्छी आदिवासी हमारे भाइयों के लिए पेशा कानून एक बहुत सशक्त माध्यम है, उन लोगों के लिए जो आज तक इसका रूल से ही नियम नहीं बने थे। 96 का पैसा कानून तो बन गया था और उसके साथ जो मूलभूत उनकी सुविधा है, मूलभूत उनकी अपनी जो समग्र विकास की दिशा में ये कानून बहुत ही उनके लिए सार्थक होगा। समझ में आया कि वनवासी क्षेत्र को विकसित कर रहा है, वहाँ के लोगों को जागरूक करना है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाना है और इसी पे ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से ग्रामीण क्षेत्र से हमारे सब नगर संगठन, ग्राम संगठन और सेवावृत्ति सब यहाँ पर उपस्थित हुए।